जिले में चार दिनों से हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। जहां नदियों पर पुल बने हुए हैं वहां तो लोग आसानी से आवागमन कर रहे हैं, लेकिन जिन रास्तों में पुल का निर्माण नहीं हुआ है वहां लोग अब अपनी जान खतरे में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। दुर्ग जिले के धमदा अंतर्गत ग्राम पंचायत भाटकोकड़ी के आश्रित ग्राम मुड़पार में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर है। करीब एक दर्जन स्कूली बच्चे रोज नदी पार कर घोटवानी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इस गांव के बारे में यहां 800 लोग रहते हैं और बरसात के दिनों में यहां के लोग राशन पानी के लिए भी तरस जाते हैं, क्योंकि यहां से जिले और ब्लॉक समेत सभी गांवों का संपर्क टूट जाता है। जब यहां के लोग बीमार पड़ते हैं तो यहां एक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते यहां 3 लोगों की भी मौत हो चुकी है। जहाँ के लड़का मन पढ़े बर घोटवानी जाते, लगभग दूरी 3 किलोमीटर दूर, वो बीच में एक नाला पड़ते। नाला हा 4 महीना पूरा बंद रही थे बाढ़ के वजह से, जेमा लड़का मन नहाके में बहुत समस्या होती। कई लड़का ऐसे है नाला की वजह से आज पढ़ाई भी बंद कर चुके हैं, पढ़वे नहीं करे मन। कई लड़का ऐसे है जिद में नहाके कई बार तो साइकिल बहा चुके हैं, बस्तर पुस्तक बहा चुके हैं, और एक बार तो ऐसे हो रही से 1-8 साल पहले यहाँ लड़का बह चुके रही से, जगह खोजे बार टीम भी आ रही से। वे का समस्या है नाला में बाढ़ आ जाता है तो हम लोग के स्कूल जाने में परेशानी होते हैं, बहुत सारी परेशानी होते हैं। हम लोग का कई बार बैग साइकिल भी बहा जाता है। बाढ़ आते हैं तो हमको जाने में समस्या होता है पढ़ने के लिए, और बाढ़ की वजह से हम लोग स्कूल भी जा नहीं पाते और 2-3 महीना से घर में बैठे रहते हैं। और आते हैं ऐसे पढ़ने तो साइकिल वाइकल बहा जाता है, और हम लोग को आने जाने में समस्या होता है पढ़ने के लिए, और सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, और हमारे कई सहेली लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं।